हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट नंबर ए पे। ध्यान से देखो बेटा, 35 के सामने कोई साइन नहीं, इट मीन्स कि कैसा है प्लस। 20 के सामने कैसा साइन है, माइनस। तो बेटा 35 में से माइनस करना है 20, तो 35 में से 20 माइनस गया तो क्या बचा, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर क्या आ गया 15। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, 72 माइनस 19, करना तो माइनस ही है, इट इज़ कन्फर्म्ड। करना तो क्या है, माइनस ही, लेकिन इट इज़ कन्फर्म्ड। अब ध्यान से देखो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 7 गया 1। अब इसके सामने प्लस का साइन आएगा या माइनस का, वो किस बात पे डिपेंड करता है, जो आपकी ग्रेटर डिजिट है। कौन सी ग्रेटर डिजिट है, 90। 90 बड़ी है या छोटी, बड़ी है, और उसके सामने कौन सा साइन है, प्लस या माइनस, तो माइनस है, तो इसके सामने किसका साइन आ जाएगा, माइनस। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाओ। पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो बेटा, माइनस 15 आपका इज इट इज माइनस माइनस। मैंने बताया था दो साइन जब इकट्ठे आ जाएं, दो साइन इकट्ठे आ जाएं और दोनों साइन सेम हो, तो वहाँ पे किसका साइन आ जाता है, प्लस का। आपके पास यहाँ क्या है, 18। एक प्लस और एक माइनस, एक डिजिट प्लस की और एक डिजिट माइनस की, तो क्या करके आंसर आएगा, सबट्रैक्ट करके। तो बड़े में से छोटे को क्या कर दो, माइनस 18 में से 15 गया 3, 18 में से 15 गया 3। 18 के सामने क्या है बेटा, 18 के सामने क्या साइन है, प्लस, तो वहाँ भी क्या आएगा, प्लस। क्लियर, प्लस 3 लिखो या 3, इट इज़ करेक्ट। क्लियर, यहाँ जो क्या है, माइनस 20 माइनस 13। मैंने क्या बताया था, जब दोनों के डिजिट के सामने सेम साइन हो, या माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्या करोगे, प्लस। तो 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 1 3, और दोनों के सामने नेगेटिव साइन है, इसलिए इसके सामने क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट 23, बेटा माइनस माइनस इकट्ठे दो साइन आ रखे, तो इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, प्लस 12। कर दो सोल्व, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 1 3, तो क्या आ गया, 35। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आ गया यहाँ से, माइनस 32। ये बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साथ में क्या आ गया, 14। एक डिजिट माइनस और एक डिजिट प्लस, तो आंसर क्या करके आएगा, सबट्रैक्ट करके। 40 में से 32 गया बेटा 8। अब इसके सामने प्लस आएगा ये माइनस, किस बात पे डिपेंड करते हैं, जो आपकी बड़ी डिजिट है उसका साइन चेक करो, वो पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ओवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस साइंस। आपको साइन दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को फिल अप करना है। तो ध्यान से देखो, पार्ट नंबर फर्स्ट, माइनस 3 प्लस माइनस 6, यहाँ पे साइन फिल करना है, माइनस 3 और माइनस 6। ध्यान से देखो बेटा, माइनस माइनस ऑफ 6, सबसे पहले सोल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा बड़ा है छोटा है। माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, माइनस 3 और माइनस 6, दो डिजिट्स और दोनों के सामने सेम साइन है, तो क्या आएगा, प्लस करके आंसर, 6 प्लस 3 9, और दोनों माइनस के, इसलिए आंसर माइनस में। ये आपका माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, और ये 6, एक डिजिट प्लस की और एक डिजिट माइनस की, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस करके 6 में से 3 गया 3। अब मेरे को ये बताओ, माइनस 9 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा। अब आते हैं बी पार्ट पे, माइनस 21 माइनस माइनस ऑफ 10 माइनस 31 और प्लस माइनस 11। तो सबसे पहले माइनस 21 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 10 ये फिल करना है, माइनस 31 प्लस माइनस माइनस 11। एक प्लस और एक माइनस, तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट। बड़े में से छोटे को 21 में से 10 गया 11, इसके सामने क्या साइन आएगा, जो बड़ी डिजिट के सामने, बड़ी डिजिट के सामने क्या है, माइनस, तो माइनस। ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो क्या करोगे, प्लस। 1 प्लस 1 2,
3+1 4, दोनों के सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। -11 बड़ा है या -42 बड़ा है? माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो छोटा कौन सा? ये वाला, तो इट मीन्स बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी पार्ट। अब आते हैं आपके सी और डी पार्ट पे, देखो ध्यान से एक बार। ध्यान से देखना बेटा, सी पार्ट आपका क्या कह रहा है। 45 माइनस माइनस ऑफ 11 57 प्लस माइनस ऑफ 4। 45 माइनस माइनस दोनों साइन इकट्ठे, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन। 11, 5+1 6, 4+1 5। यहाँ देखो 57 प्लस माइनस माइनस और 4, 57 में से 4 गया, 50 कौन सा बड़ा है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पे डी पार्ट पे, वो क्या कह रहे हैं। -25 माइनस माइनस 42 माइनस 42 माइनस माइनस 25, माइनस 25 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस और साथ में 42 एज इट इज़। ठीक है, ध्यान से देखो, एक को सॉल्व कर रही हूँ, एक डिजिट माइनस में और एक डिजिट प्लस में, तो आंसर क्या करके आएगा, सबट्रैक्ट करके। क्या करके? बड़े में से छोटे को क्या कर दो, माइनस। 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब इसके सामने नेगेटिव का साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, वो किस पे डिपेंड है, जो आपकी बड़ी डिजिट है। बड़े डिजिट कौन सी है, 42, तो 42 के सामने पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। वो वाली साइड सॉल्व करते हैं, माइनस 42, दो नेगेटिव साइन इकट्ठे आ गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25। एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन, तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट। बेटा 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, लेकिन इसके सामने साइन क्या आएगा, डिपेंड ऑन बिगर ग्रेटेस्ट डिजिट। तो बड़ी डिजिट कौन सी है, 42, 42 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस। 17 बड़ा है या माइनस 17 बड़ा है, तो क्या आ गया यहाँ से, माइनस 17, क्लियर, सॉरी प्लस 17, क्लियर। तो ये था आपका डी पार्ट। नाउ मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फिलअप से, बेटा ध्यान से देखना। फिलअप्स एक तो आपके वन मार्क में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, दूसरी बात ये आपकी नॉलेज को चेक करते हैं, आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, -8+- 0। ध्यान से देखना बेटा, एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन, आंसर क्या आएगा, सबट्रैक्ट करके। तो 8 में से क्या माइनस करूं कि आंसर क्या आ जाए, 0। 8 में से 8 को माइनस करूंगी तभी तो आंसर 0 आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 8। बी पार्ट, 13+- 0। 13 प्लस, अगर प्लस करूंगी तो क्या कैसा प्लस करूंगी, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तभी तो ज़ीरो बनेगा। अगर कुछ प्लस करोगे तो ज़ीरो बनने के चांसेस हैं, नहीं। तो मैंने क्या किया, ये प्लस है, यहाँ क्या रख दिया, माइनस, यहाँ क्या रख दिया, माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। और 13 में से क्या माइनस करूँ कि आंसर ज़ीरो बन जाए, 13, तो आंसर क्या आ गया, -13। जब भी ऐसी चीज़ हो ना बेटा, तो ये इसका साइन उल्टा है, देखो ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये माइनस का था तो ये प्लस का, तो इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जब आपने -8 में +8 किया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो जो ये 8 है, ये इसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, 12+-12=-। देखो बेटा 12 प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 12 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्लियर। नाउ मूव टू अवर डी पार्ट। डी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, -4+-(-12)। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई नंबर फिल करना है, तो ये नंबर यहाँ नेगेटिव है ना, तो दूसरे साइड ले जाके उसको प्लस कर दो,
क्या करो, इस नंबर को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाके प्लस कर दो, तो माइनस 12 प्लस 4 जो भी नंबर आपको गिवन है, तो 12 में से 4 गया 8, और 8 कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव 12 कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा माइनस 8। क्लियर, मैंने क्या बताया, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो आपने क्या करना है, जो आपकी राइट हैंड साइड जो आपका नंबर है उसमें से जो यहाँ नंबर माइनस में है तो प्लस कर दो, प्लस है तो क्या कर दो माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट, 5 माइनस डैश इज इक्वल टू माइनस 10। मैंने क्या बताया, ये नंबर निकालना है, ये आपको गिवन है, ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 10 और माइनस के 5 कितना बन गया माइनस के 15, क्या बन गया माइनस के 15, माइनस ऑलरेडी आपको गिवन है तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15। तो ये था आपका पार्ट नंबर ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, फाइंड हमें वैल्यू निकालनी है माइनस 7 माइनस 8 माइनस माइनस ऑफ 25। सबसे पहले साइन को सॉल्व करेंगे, ये आपका एज इट इज, ये आपका एज इट इज, माइनस माइनस प्लस। जब भी आपके पास दो सेम साइन वाले नंबर हो तो पहले उनको प्लस करो, इनको प्लस किया 7 प्लस 8 15, 15 कैसा आएगा नेगेटिव, और प्लस 25। बेटा प्लस माइनस, मैंने क्या बताया, एक डिजिट प्लस है और एक डिजिट माइनस है, तो आंसर क्या करके आएगा सब्ट्रैक्ट करके, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 25 माइनस 15 10, और 25 बड़ा है उसके सामने प्लस का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का साइन। क्लियर, अब आते हैं आपके बी पार्ट पे। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है देखो एक बार, माइनस 13 प्लस 32 माइनस 8 माइनस 1। मैंने क्या बताया, जब भी आपके पास ऐसे नंबर हो जो सेम साइन वाले, उनको अलग से ऐड कर लो, 13 8 और 1 सबके सामने नेगेटिव साइन, इनको क्या कर दो प्लस, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 8 32, और 32 के सामने क्या साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि सारी की सारी टर्म कैसी थी नेगेटिव। सेम प्लस माइनस, माइनस 32 में से 32 गया 0। ठीक है, सी पार्ट, माइनस 7 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 90, माइनस 7 प्लस माइनस, माइनस 8 प्लस माइनस, माइनस 90। क्या करना है आपने, सारे डिजिट्स को क्या करो प्लस, 7 प्लस 8 15 और 90 प्लस 15 105, 90 प्लस 15 5 एंड 10 105, और सारी की सारी नेगेटिव है तो आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। क्लियर, नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखो बेटा, माइनस माइनस 40 एंड माइनस माइनस 2। क्लियर, तो ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट नंबर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 40 माइनस माइनस प्लस 2, 50 प्लस 40 90 प्लस 2 92, तो आंसर क्या आ गया 92। तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 6.4। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।